खबर भोपाल से, जहां आरोग्य भारती और रानी दुलैया स्मृति आयुर्वेद पीजी कॉलेज और अस्पताल में धन्वंतरी जयंती आयुर्वेदिक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। धन्वंतरी भगवान की पूजा करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें बतौर मुख्य अतिथि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक वार्ष्णेय, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी शामिल हुए। इसके अलावा ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन की संचालिका नीता दीदी सहित समाज सेवी मौजूद रहे। वहीं किशन सूर्यवंशी ने छात्र छात्राओं को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपनाने की भी बात कही। इधर घर घर आयुर्वेद चिकित्सा, औषधियों और नाड़ी विज्ञान के जरिए समाज की स्वस्थ चिकित्सा कर देश का नाम रोशन करने का आग्रह किया। दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को बहुत ही गरिमामय ढंग से आयोजित करके छात्रों के बीच में आयुर्वेद की अलग जगाने का काम किया है। आयुर्वेद आज दुनिया के लिए पूरा विश्वास का केंद्र होता जा रहा है, अन्य विकल्प इलाज के रूप में। आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो जन जन में व्याप्त है, हमारे रीति रिवाज परंपराओं से जुड़ा होने का हर व्यक्ति उसमें योगदान कर सकता है। आज जो धन्वंतरी जयंती का कार्यक्रम है, सरकार ने उसको आयुर्वेद दिवस नाम दिया है। उसकी थीम ही रखी थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, अर्थात जगह जगह पर हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी करते हैं, उसमें से देखें स्वास्थ्य का कौन सा पहलू होता है। और केवल स्वास्थ्य का नहीं, तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सिद्धांत भी सम्मिलित है, समाहित है। और इसको अगर ध्यान में लेंगे तो सामान्य कार्य क्रियाओं को जिनको हम करते हैं उनके माध्यम से आयुर्वेद की जानकारी भी मिलेगी, श्रद्धा भी मिलेगी।